शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पारशिवनी शहर में कोरोना योद्धा मिला कोरोना संक्रमित। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में आरोग्य विभाग की ओर से कोरोना जांच की जा रही है। वहीं आज स्वैब कलेक्शन सेंटर में शनिवार कोविड संशयित नागरिकों की जांच की गई। जांच में एक पुलिस सिपाही जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने से शहर में खलबली मची। महात्मा गांधी विद्यालय में स्वैब कलेक्शन सेंटर में आज 66 लोगों की जांच कराई गई, जिसमें पुलिस कर्मचारी विभाग के कर्मचारियों की जांच भी की गई। तभी एक पुलिस कर्मचारी पॉजिटिव मिला। वह कामठी तहसील का रहवासी है जो एरखेड़ा का रहने वाला है। वैसे भी कामठी शहर में बड़े पैमाने में कोरोना वायरस के मरीज मिलने से यहां पर कार्य करते हुए सिपाहियों का आना जाना करता था, वहीं से यह संक्रमण होने का कयास लगाया जा रहा है। पारशिवनी यहां के तकिया मारुति मंदिर परिसर में भी कभी रूम पर रहता था। घटना की जानकारी मिलते ही पारशिवनी नगर पंचायत तहसील कार्यालय, तहसील आरोग्य अधिकारी कार्यालय और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई। साथ ही उपाय योजना किए जा रहे हैं। उसके संपर्क में आए नागरिकों की जांच भी की गई। कोरोना वायरस संक्रमितों को नागपुर में अस्पताल में ले जाया गया। स्थानीय प्रशासन द्वारा पारशिवनी शहर को सैनिटाइजर करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए यह सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा नागरिकों से मास्क लगाने का आह्वान तहसीलदार वरुण कुमार सहारे एवं मुख्याधिकारी अर्चना वंजारी ने किया तथा सैनिटाइजर का उपयोग करने का आह्वान किया गया। जो कोरोना संक्रमित मिला है वह पिछले 3 महीनों से लोगों के सेवा में कार्यरत था। कोरोना योद्धा की तर्ज पर कार्य करते थे। जिसने लोगों की मदद की है वही आज अपने आप को कोरोना वायरस से बचाने में असफल हुआ। फिर भी जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस से मुक्ति मिले यही प्रार्थना की जा रही है। पारशिवनी थे एक पुलिस डिपार्टमेंट सा पॉजिटिव आढळला है। कोरोना पॉजिटिव ही बातमी खरी है आणि आपल्याला ह्या याच्यासाठी प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आपल्याला सर्वांनी म्हणजे जे लोक लक्षण आहे ज्यांना जे लोक संपर्कात आले असेल, जे लोक बाहेर राज्यातून बाहेर जिल्ह्यातून आले असेल, अशा लोकांनी साधा तापसुद्धा असेल, ताप सर्दी खोकला असेल, अशा लोकांनी स्वतः येऊन आम्ही पारशिवनी येथे MG कॉलेजमध्ये रोज साफ तपासणी करतो कोविड-19 साठी आणि लोकांनी यायला पाहिजे। जे लोक आले तर त्यांचं लवकर आपल्याला निदान होईल आणि जे त्याचं निदान लवकरात लवकर होईल आणि त्याच्यामुळे इतरांना प्रादुर्भाव होणार नाही आणि त्याचा जीवसुद्धा धोक्यात होणार नाही। हां, आपण इथे आता आज रॅपिड अँटीजेन टेस्ट केली आहे। त्याचा निकाल रिझल्ट जो आहे तो 30 मिनिटात लागतो आणि ती रिलायबल टेस्ट आहे। म्हणजे त्यामध्ये पॉझिटिव्ह आढळला तर आपण पॉझिटिव्ह समजायचं, तो कन्फर्म पॉझिटिव्ह असतो। समजा एखादा पेशंट निगेटिव्ह आढळला आणि त्याला लक्षण आहे, लक्षण असले तर आपण त्याचं पुन्हा आर्टिफिशियल करतो, म्हणजे त्याचा नमुना स्वॅब नमुना हा नागपूरला पाठवतो लॅबमध्ये। अशा त्या सूचना आमच्या वरिष्ठांच्या गाईडलाईन आहे। हा क्लिअर कट पॉझिटिव्ह आहे तर आपण अँटीजेन टेस्टमध्ये ह्याला पॉझिटिव्ह समजायचं।